नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। चंद के आईजीपी बनाबे के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं करे सरकार के सर्वोच्च का आदेश। आईजीपी में चंदक नियुक्ति सरकार के लापरवाही रहल, नया शक्ति संयोजक डॉक्टर भट्टराय के आरोप। आमरण अनशन में जनौलन प्रतिबद्धता। नेपाली सेना द्वारा अपन टीवी सम्मानित, एक कार्यक्रम के बीच सम्मान प्रदान कैल गया। सरकार में पहुंचक के हड़बड़ी के कारण फास्ट ट्रैक के नामे जल्दी जल्दी संविधान जारी कला से परिणाम अखन देश भोग रहा। पूर्व राष्ट्रपति यादव के कहब, गैर कानूनी रूप में अमेरिका में रह रहा सौ आप्रवासी पकड़ाओ, 30 लाख गैर कानूनी आप्रवासी त्रास में। सर्वोच्च अदालत डीआईजी जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी पद पर नियुक्त करके सरकारक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश जारी कल गई। रवि दिन सरकार चंद के आईजीपी में बढ़वा के किछु घंटा नहीं बीते सर्वोच्च प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति संबंधी निर्णय तत्काल लागू नहीं कर अंतरिम आदेश दिलक। अधिवक्ता कपिल देव ठकाल दायर कने रिट निवेदन ऊपर के बहस में प्रधान न्यायाधीश सुशील आकार की सरकार के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर उत्प्रेषण युक्त अंतरिम आदेश दिलक। भीतर शुक्र दिन अधिवक्ता ठकाल वरीयता क्रम अनुसारे नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति कर सरकार के आदेश कर के मांग करे सर्वोच्च में रिट दायर कने छलथ। वही विषय में अदालत बहस पर रवि कर से आगे सरकार आईजीपी नियुक्त कला के बाद अधिवक्ता ढकाल निर्णय बदल कर के मांग करे पूरक निवेदन देने चला था। कानूनविद डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली अदालत के आदेश संगे वरीयता क्रम में आगू रहल वरिष्ठ अधिकारी के प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति कर सरकार बाध्य हाथ बतौलत। प्रहरी नियमावली आ कानून से कायम मुकायम प्रमुख राखा उचित नहीं हाथ कहते ओकर कल्पना नहीं कला से सरकार के तत्काल वरिष्ठता आ योग्यता के आधार में प्रहरी प्रमुख तो कानूनविद गेवाली बतौलन। आईजीपी के दावेदार चंद वरीयता क्रम में तेसर तथा नवराज सिलवाल पहला, प्रकाश अरियाल दोसर वरीयता में छत। डीआईजी जयबहादुर चंद के महानिरीक्षक बनाब के मंत्री परिषदक निर्णय विरुद्ध दोसर डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत में रिट दायर कलन। रवि दिन बिरिया में सिलवाल सरकार वरिष्ठता, कार्य संपादन तथा कार्यक्षमता के आधार के लत्यवैत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त कला से अपना के अन्याय भेल कहते सर्वोच्च में रिट देने छत। महानिरीक्षक के दावेदार से हो रहा सिलवाल वरीयता के क्रम में तेसर स्थान में रहल चंद के आईजीपी बनौला से प्रहरी के चेन ऑफ कमांड में सेहो असर पड़ल जिक्र कने अछि। ऐसे आगू सर्वोच्च चंद के महानिरीक्षक के रूप में काम नहीं कराब अंतरिम आदेश जारी कर चुकल अछि। ऐसे आगू मंत्री परिषदक बैसार से नेपाल प्रहरी के आगामी नेतृत्व जय बहादुर चंद के देवे के निर्णय कने छल। रवि दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार से नेपाल प्रहरी के आगामी महानिरीक्षक में नायब प्रहरी महानिरीक्षक जय बहादुर चंद के नियुक्त कर के निर्णय कने छल। संगे सरकार सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ के नियुक्त कने अछि। नेपाल प्रहरी के प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कांत अरियाल के समय रवि दिन सम्पन्न भेल अछि। अहिना कऽ सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख दुर्ज कुमार राय के समयावधि चैत में समापन भ रहल अछि। प्रहरी संगठन के प्रमुख में पहिल वरीयता में रहल नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल आ तेसर वरीयता के जय बहादुर चंद में से ककरा बनाल जा विषय में 10-20 नम्हर विवाद हुई तो सरकार अंतिम समय में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक में बिना बढ़ुए केने सीधे महानिरीक्षक में नियुक्त केने छल। सशस्त्र प्रहरी बल में पहिल नम्हर में रहल सिंह बहादुर श्रेष्ठ प्रमुख में नियुक्त हुई तो नेपाल प्रहरी में पहिल वरीयता में नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल के छोड़कर तेसर वरीयता में रहल चंद के सरकार प्रहरी संगठन के प्रमुख बनौने छल। सशस्त्र प्रहरी में दोसर तथा तेसर वरीयता में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रेम कुमार शाही आ प्रकाश ओझा रहल अछि। सरकार वरीयता के उल्लंघन करैत नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति के रेखा युवा सब विरोध केने अछि। रवि दिन माइतीघर मंडला में जमा भेल युवा सब नेपाल प्रहरी के वरीयता अनुसार वरिष्ठ अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्ति नहीं कैल गेल कहे तो सब विरोध केने अछि। नेपाल प्रहरी जेहन संस्था में राजनीतिक नेतृत्व सब विभिन्न प्रलोभन में पड़ि कऽ कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्ति केने कहे तो सब आरोप लगौने अछि। युवा सब स्वार्थ पूरा कर वरीयता उल्लंघन कला से समग्र प्रहरी प्रशासन के मनोबल बिगड़त कहे तो निर्णय सचिव सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने अछि। लोकतंत्र के मूल्य मान्यता विपरीत गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि अपन राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर तेसर वरीयता में रहल वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्त केने हुनकर सभा का आरोप अछि। ओ सब राजनीतिक संस्कृति आ विभिन्न प्रलोभन में गलत लोक सब के अवसर द कऽ विधि के शासन के उल्लंघन के कारण सब विरोध प्रदर्शन में सहभागी सब उपराग देने अछि। सरकार रवि दिन तेसर वरीयता में रहल जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त केने अछि।
जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक बनाव के निर्णय प्रति पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराय से आपत्ति जनाने साथ जनकपुर में रवि दिन पत्रकार सब संग बातचीत क्रम में डाक्टर भट्टराय वरीयता क्रम के उल्लंघन करते चंद के महानिरीक्षक बनाव के सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनौले थे। वो सुरक्षा निकाय प्रशासन अदालत लगायत क्षेत्र में दलीय भाग बंटा के आधार में नियुक्ति कैल जाए वाला काज अत्यंत अंत्य करा पड़त जिक्र कैला थे। वो दल सभक एहन रवैया के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ल आ सुशासन कायम होबय नहीं सकल से आरोप लगले थे। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक से हो रहल भट्टराय संशोधन बिना संविधान कानून होबय नहीं सकत दावी कैला थे। वो चुनाव से आगू संविधान संशोधन कर के सेहो धारणा रखले थे। डॉक्टर भट्टराय नेपाल के पुरान राजनीतिक दल सब देश के लिए किछु कर सक के देख कर अपने सब नया शक्ति के रूप में आयल बताने छले थे। बृहत्तर के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता कलामुद्दीन नैनक आंदोलन प्रति नया शक्तिक संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टराय के बद्धता जनौने छथ। शर्मा आ राइन सात सूत्रीय मांग रखत 12 दिन से आमरण अनशन में छथ। आई जनकपुरक जनकचौक स्थित अनशन स्थल पहुंचकर संयोजक भट्टराय हुनकर सभक आंदोलन प्रति एके बद्धता जनौले थे। वो शर्मा आ राइन जर्जर अवस्था में रहल जनकपुर के विकास के लिए आंदोलन केने कहत सबके एक होब आग्रह कैल थे। संयोजक भट्टराय वो सब उठाने मांग कोनो पार्टी के नहीं भगा संपूर्ण जनकपुरवासी के रहल सेहो दावी कैल। अनशन स्थल में भट्टराय बैसल समय में प्रधानमंत्री प्रचंड हुनका फोन कने छला। भट्टराय प्रधानमंत्री के अपन नेता सब के आमरण अनशन के विषय में प्रधानमंत्री के जानकारी करौने छलथ। तो एक क्रम में बृहत्तर के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा लोकतंत्र आवला के बाद जनकपुर में विकास से होबय नहीं सकल उपराग दलथ। नेपाल में लोकतंत्र के नामे लूटतंत्र हावी भेल सेहो बतौले थे। न्याय शक्ति नेपाल के नेता सेहो रहल शर्मा अपन सभक मांग संबोधन नहीं होबय धरि अनशन जारी राखब सेहो अड़ान रखले थे। जनकपुरक आर्थिक विकास आ समृद्धि में प्रभाव कह जेहन संस्थागत रूप में भ्रष्टाचार बढ़ल कहित सात सूत्रीय मांग रखत वो सब जनकचौक में आमरण अनशन में बैसल छथ। लगातार के अनशन के कारण हुनकर सभक स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ित जा रहल अछि। नेपाली सेना अपन टेलीविजन के सम्मान केलक अछि। सैनिक के विभिन्न गतिविधि समेटल गेल माटोले माग्दैन आफैले दिनु पर्छ। टेली श्रृंखला निःशुल्क प्रसारण केने बापत सेना अपन टेलीविजन के सम्मान केलक। सेना धनसा के महेन्द्र नगर स्थित श्री गोरखनाथगंज के 162वां वार्षिकोत्सव के अवसर में टेलीविजन के कदर पत्र देने अछि। समारोह में सैनिक जनसंपर्क निर्देशनालय के निर्देशक सहायक रथी तारा बहादुर कार्की कदर पत्र आई टेलीविजन के प्रबंध निर्देशक रामेश्वर यादव के हस्तांतरण कैला थे। अहिना का द्वंद्व काल में वीर गति प्राप्त कने सैनिक परिवार के दोसर लावड़ा का सम्मान कैल गेल छल। समारोह में गोरखनाथ गण के गणपति खेमराज शर्मा आई गण सब विभिन्न समय में कने काम के विषय में चर्चा कने छलत। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो कैल गेल छल। सैनिक के संगे मिथिला नाट्यकला परिषद के कलाकार सब सेहो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कने छल। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी 22वां संयुक्त दिवस समारोह मनौलक अछि। रवि दिन जनकपुर में हसिया हथौड़ा के रंगोली बनाकर संयुक्त दिवस मनौने अछि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के केंद्रीय सदस्य तथा धनुषा जिला इंचार्ज रोशन जनकपुरी देश में गणतंत्र धर्म निरपेक्षता जेहन आंशिक सकारात्मकता रहितो सार में दलाल तथा नौकरशाही एवं सामंत वर्ग के स्वार्थ के प्रतिनिधित्व करय वाला वर्तमान संविधान मजदूर किसान लगायत संपूर्ण उत्पीड़ित श्रमिक वर्ग आ उत्पीड़ित जाति क्षेत्र सबके निमती धोखा रहल बतौले थे। वो वर्गीय जातीय समानुपातिक शासन व्यवस्था आ जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता में आधारित पहचान सहितक संघीय राज्य व्यवस्था अपरिहार्य रहल बतौले थे। इस समारोह में केंद्रीय सलाहकार शीतलकर्ण जिला सेक्रेटरी खेमराज यादव आ मोर्चा इंचार्ज नंद कुमार झा लगायत के उपस्थिति रहल छल। जनकपुर अंचल बस चालक भलाई संगठन के अध्यक्ष में सरोज साह चुनाल छथ। जनकपुर में रवि दिन भेल संगठन के प्रथम अधिवेशन से साह के नेतृत्व में 11 सदस्य कार्य समिति चयन कलक अछि। उपाध्यक्ष में प्रवण कुमार पांडे, सचिव में एक राज पंजाड़ा, उप सचिव में हरिनारायण राय आ कोषाध्यक्ष में दिलरंजन सिंह चुनाल छथ। अहिना का सदस्य सब में वीरेन्द्र यादव फुलगन साह लगायत के रहल अछि। अधिवेशन में नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ राष्ट्रीय कमेटी सदस्य तथा जनकपुर अंचल अध्यक्ष रामदरी सिंह, नेपाल यातायात स्वतंत्र मजदूर संगठन के पशुपति रेग्मी, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिवनारायण यादव के संगे चालक सभक सहभागिता छल। स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक डॉक्टर सी के राउत के आरो 10 दिन हिरासत में राखब प्रहरी अनुमति देलक अछि। अगला म्याद सम्पन्न भेला के बाद रवि दिन सिराहा अदालत पठाओल गेल डॉक्टर राउत के अनुसंधानक लेल प्रहरी अदालत 10 दिन के समय थप केलक अछि। संगठित अपराध विरुद्धक मुद्दा चलावे के तैयारी में रहल लहान प्रहरी के मांग बमोजिम अदालत 10 दिन देने अछि। एहि बीच राउत के अदालत आने के खबर संगे हुनकर समर्थक सब सिरहा में प्रदर्शन कयने छल। ओहि क्रम में प्रहरी संग झड़प भेला के बाद राउत के समर्थक सब घायल भेल अछि। अहिना 7 गोटे पकड़ाव पड़ल अछि। डॉक्टर राउत के मांग 20 गते जनकपुर से हिरासत में लेल गेल छल।
छह सूत्रीय मांग रखित कर्मचारी आंदोलन में उतर लागे बाद मोरंग जिला विकास समिति आ नगरपालिका के कामकाज बंद भेलै छ। मोरंग जिला के डीवीसी आ उपमहानगरपालिका सहित सातटा नगरपालिका के कर्मचारी आंदोलित बनला के बाद कार्यालय के कामकाज सब बंद रहलै छ। स्थानीय ट्रेड यूनियन के अगुवाई में आब बनवला स्थानीय तह के नया संरचना सब में स्थानीय निकाय में कार्यरत संपूर्ण कर्मचारी सब के पहल प्राथमिकता में राख के स्थानीय तह के संरचना सब में कर्मचारी के व्यवस्थापन आ समायोजन करत काल हाल स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारी सब के पहल प्राथमिकता देव के स्थानीय निकाय के निर्वाचन अविलंब होब के लगायत मांग रखित कर्मचारी सब स्थानीय निकाय के कामकाज ठप कने। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव दल सब सत्ता के प्राथमिकता देला से देश में राजनीतिक जटिलता बढ़ल आरोप लगने नहीं छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव सत्ता के आगू आ संविधान के पाछू राख वाला दल सब के व्यवहार के कारण देश संकट में फसल जिक्र कल वो सरकार में पहुंच के हड़बड़ी के कारण किस दल सब फास्ट ट्रैक के नाम में जल्दी जल्दी संविधान जारी कला से परिणाम अखन देश भोग रहा उल्लेख कल। रवि दिन काठमांडू में टोटल राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के विमोचन करत पूर्व राष्ट्रपति यादव राजनीतिक परिवर्तन हेत देश समृद्धि के दिश में आगू बढ़ नहीं सकल कहत परिवर्तन हुई तो देश समृद्धि के दिशा में आगू बढ़ नहीं सकल कहे चिंता व्यक्त कल। पूर्व राष्ट्रपति यादव अंतरिम संविधान सब मधेश के देने अधिकार सहयोग नया संविधान में कटौती भेल कहत अखन संविधान संशोधन क के दल सब के निकास देव पर तर्क दिल। पत्रिका के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागी सब बदले समाज आ संचार माध्यम के भूमिका के विषय में चर्चा कने। स्थानीय पुनर्संरचना आयोग देने प्रतिवेदन ऊपर के उपराग अध्ययन कर गठित कार्यदल दू नंबर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करवाला संसद सबसे परामर्श शुरू कल। स्थानीय पुनर्संरचना के विषय में प्राप्त उपराग अध्ययन का मंत्री परिषद में सुझाव देव लेल कार्यदल दू नंबर प्रदेश के संसद सबसे परामर्श शुरू कने। कार्यदल रवि दिन से स्थानीय विकास मंत्रालय में शुरू कने परामर्श में सप्तरी जिला के प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक दिश से प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद सब सहभागी। कार्यदल सोम दिन सिरहा महतरी आ धमसा से प्रतिनिधित्व केनिहार आ मंगल दिन सरलाही वर्षा बारह आ रोथर से प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद सब संग परामर्श कर के कार्यतालिका तय कल। सांसद सब संग परामर्श के बाद कार्यदल सुझाव सहित प्रतिवेदन मंत्री परिषद में पेश करत। कार्यदल के सुझाव के आधार में स्थानीय पुनर्संरचना संबंधी विवाद के निष्कर्ष में पहुंचाबे के तैयारी सरकार कने। मंत्री परिषद बीतल माघ 20 गते स्थानीय पुनर्संरचना संबंधी उपराग सुनकर सरकार के सुझाव देव स्थानीय विकास मंत्री हितराज पांडे के संयोजकत्व में उद्योग मंत्री नवीन राज जोशी आ आपूर्ति मंत्री दीपक बोहरा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन कने। समिति के आवश्यक सुझाव सहित प्रतिवेदन देव 15 दिन के समय सीमा देल गेल। ऐसे आगू स्थानीय पुनर्संरचना संबंधी आयोग प्रतिवेदन के अंतिम रूप देव से आगू सेहो दू नंबर प्रदेश से प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद सब संग परामर्श कने। सर्वदलीय सहमति बिना केने प्रतिवेदन बुझाओल गेल कहत दू नंबर प्रदेश के पुनर्संरचना के संबंध में विवाद बढ़ला के बाद ओकर निष्कर्ष लगाब वह प्रदेश के सांसद सब संग परामर्श कयल गेल। अब इंटरनेशनल न्यूज। गैरकानूनी रूप में अमेरिका में रही रहल आरोप में सयो आप्रवासी पकड़ाओ पड़ल। प्रहरी एक सप्ताह से शुरू केने अनुसंधान आ छापा के क्रम में सयो आप्रवासी पकड़ाओ पड़ल। गैरकानूनी रूप में अमेरिका में रहल आप्रवासी के कार्रवाई कर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपक नीति अनुसार आप्रवासी पर अनुसंधान शुरू भेल। प्रहरी कार्रवाई के बाद अमेरिका में रही रहल हजारों आप्रवासी सब तनाव में है। आप्रवासी प्रतिबंध लगाव के ट्रंप कार्यकारी आदेश के अमेरिकी अदालत प्रतिबंध लगाने संदर्भ में सरकार गैरकानूनी आप्रवासी ऊपर छापा तीव्र बनाने है। ट्रंप तीन सप्ताह आगू गैरकानूनी आप्रवासी के नियंत्रण कर के कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर कने। अमेरिका में 30 लाख आप्रवासी गैरकानूनी रूप में रही रहल कहत ट्रंप प्रशासन उनका सबके देश निकाला कर के योजना बनौनी है। वह योजना अनुसार प्रहरी गैरकानूनी रूप में रही रहल आप्रवासी सब ऊपर के अनुसंधान के तीव्र बनौनी है। एटलांटा शिकागो न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स नॉर्थ कैरोलाइन साउथ कैरोलाइन लगायत के राज्य में रही रहल आप्रवासी ऊपर प्रहरी छापा मारने वाशिंगटन पोस्ट जनौलक। प्रहरी छापा के कारण आप्रवासी समुदाय में त्रास उत्पन्न केने आप्रवासी के अधिकारक लेल कार्यरत विभिन्न संघ संस्था जनौनी अछि। देश निकाल कयल जाय वाला ट्रंप प्रशासन से अपराध के अभियोग लागल या अदालत दोषी ठहर केने आप्रवासी के तत्काल देश निकाल करत जनौलक। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। चंद के आईजीपी बनाब के निर्णय तत्काल कार्य नहीं कर सरकार के सर्वोच्च आदेश। आईजीपी में चंदक नियुक्ति सरकारक लापरवाही रहल नया शक्ति के संयोजक डॉक्टर भट्टराय के आरोप आमरण अनशन में जनौले एक के वैधता। नेपाली सेना द्वारा अपन टीवी सम्मानित एक कार्यक्रम के बीच सम्मान प्रदान कयल गेल। सरकार में पहुंच के हड़बड़ी के कारण फास्ट ट्रैक के नामे जल्दी जल्दी संविधान जारी कला से परिणाम अखन देश भोग रहा पूर्व राष्ट्रपति यादव के कहब।
आ गैर कानूनी रूप में अमेरिका में रह रहा सयो आप्रवासी पकड़ाओ 30 लाख गैर कानूनी आप्रवासी त्रास में। अपन ही सखन के लेल पे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।